मेरा किसी एक लड़की के साथ यह हुआ था क्या तो, तो प्यार हुआ था आ, तो इतना तो, उसमें शर्मसार क्यों हो कि छुपा गए? तो वो मतलब उसका घर से हमको नहीं देता है क्या नहीं देता है शादी नहीं देता है उसको पूरी बात देखो बोला करो प्यार छुपा गए फिर शादी छुपा गए नहीं, नहीं कल उशीलता को चुनौती मत दो उसका घर से नहीं देता है उसका घर वाले उसको नहीं देता है और मेरा माता तो पिता घर से मत करो ना शादी नहीं वो भी नहीं आना चाहता है घर के मतलब तो उससे भी मत करो शादी हाँ लेकिन अभी एक छोटा प्रॉब्लम है उसको तो मैंने टिकल कर लिया किसी हद तक लेकिन घर का जो माता पिता चाहता है उसको ले के मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ लोग आता है कि मैं बड़ा तो हूँ और कितनी शादियाँ करोगे लड़की से करनी है उसके माँ बाप से भी करनी है नहीं तो उनसे क्या पूछने जा रहे हो फिर कि तो आता नहीं है ना वो माँ बाप का परमिशन चाहिए उसको वो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा तो उसको परमिशन नहीं मिल रही नहीं आ रही तो छोड़ो उसको और लड़कियाँ बहुत लेकिन मुझे अभी लास्ट वन ईयर से इसमें भी रुचि आ गया कि स्पिरिचुअल जो लाइन है जो मैं आपको क्वेश्चन फास्ट पूछा था मैं देखा था कि मैं उसको बोला था कि तुम मेरे एक दोस्त का हिसाब से रहो और दोनों मिल के एक अच्छा काम करेंगे ऐसा मैंने उसके साथ सोचा था लेकिन अभी वो भी नहीं उसके साथ नहीं होता है तो दूसरा और अच्छे कोई... काम में माँ बाप भी शामिल होंगे नहीं अभी और कोई दूसरा ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई मेरे साथ में ऐसा होगा कि क्या मेरा हो जो मतलब मैं जो करना चाहता हूँ अभी तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ जो मेरा आसाम में घर है तो आ, कुछ कुछ लोगों के लिए जो थोड़ा गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ और उसमें मेरा खूब प्योरिटी बना रहे इस हिसाब से क्योंकि मैं थोड़ा अपना निसी अपना बात बताऊंगा क्योंकि मैं एक थाना का एस एस हूँ तो उसमें मैंने देखा है बहुत करप्शन और मैं कुछ बहुत बात को जो बोलता हूँ वो नहीं है और जो है वो नहीं बोलता हूँ मैं वो तो बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि बोलने से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ये दो बातें हैं इनमें संबंध क्या है एक और तो तुम कुछ करना चाहते हो समाज के लिए गरीबों के लिए हाँ। और दूसरी तरफ वो लड़की और उसके घर वाले हैं ये दो कहानियां एक में कैसे मिल गई मतलब उनके साथ मेरा तीन साल चार साल का एक रिलेशनशिप था तो मैं उसको हाँ हा, उसको समझा रहा था कि कि मेरे साथ रहो और जैसे आपका बात में सुन रहा था तो दूसरा का भी सुनता था ने बोला कि ऐसा करके हम लोग जीवन खुद एक साथ में बिताएंगे और तुम मेरा सपोर्ट में रहो और जो तो क्या बोली वो वो बोलता है पहले पहले तो इम्प्रेस हुआ बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा बात जब मैंने बोला हाँ ये तो एक्सेप्शनल है ऐसा भी बोला मुझे धीरे 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 दो तीन साल हो गया उसके समय में जब मुझे बोला कि मेरा पिताजी को बोलो मेरा दादा को बोलो वो लोग पुलिस वाला होके वो शादी नहीं देता है मेरे साथ नहीं समझा वो लोग पुलिस वाले हैं न मैं पुलिस वाला हूँ तो पुलिस, पुलिस वाला के साथ तुम तो लड़की नहीं देगा अच्छा तो कह रहे हैं पुलिस वाले को लड़की नहीं देंगे नहीं नहीं देगा क्या बुरा है ये पुलिस वाले में? वो तो बहुत एक कम भरा होगा और जैसे तैसे एक बात बताओ हाँ। बहुत कारण दिखाया तुम्हारे सामने कितने भी शुरुआती तौर पर लेकिन जिंदगी ने एक ऊंचा लक्ष्य दिया है ठीक है ना कुछ अच्छा काम करना चाहते हो मैं विस्तार में नहीं जानता जो भी करना चाहते हो पर तुमने कहा कि समाज के लिए कुछ करना चाहते हो गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हो इस कहानी को तुम क्यों उलझाए दे रहे हो एक दूसरी कहानी से हम्म जो लड़की शादी करके तुम्हारे साथ नहीं रह सकती वो बिना शादी किए तुम्हारे साथ कैसे रह लेगी भाई तब उसके माँ बाप मान जाएंगे क्या और इन सब चक्करों में तुम्हारी जो ऊर्जा लगेगी हाँ। उसका व्यय तुम झेल लोगे पहले तो नौकरीशुदा आदमी हो हाँ। थाने के इंचार्ज हो हम्म हाँ। 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 तो वहां पर ही तुम्हारा बहुत समय जाता है हम्म हाँ। 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 दिमाग पर भी तमाम तरह के असर पड़ते होंगे दिन रात से, अपराधियों से ही तुम्हारी बहुत ज्यादा बहुत मतलब अभी ये सब होने के बाद तुम्हारी जो जरा सी ऊर्जा बचती है हाँ। उसको तुम खर्च करोगे एक ऐसे व्यक्ति पर जो प्रेम नहीं समझता वो सत्य क्या समझेगा जो प्रेम नहीं समझता वो सेवा क्या समझेगा समझ जाए बहुत अच्छी बात है समझ जाए मुझे भी बताना मुझे आनंद होगा लेकिन संभावना इसकी बहुत क्षीण है और देखो ये दो अलग अलग पटरियां हैं इनको उलझाओ मत तुम्हारे तो पास वैसे ही अपनी नौकरी के बाद बहुत थोड़ा ही समय बचता होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ हाँ। उस थोड़े से समय को एक दिशा में लगाओ अच्छा काम करना चाहते हो तो अच्छा काम करो अब उसमें यह शर्त मत बांधोगे अच्छा काम भी करना है और इसको समझाना है उसके मां बाप को करना है उसको यहां साथ लाना है यह करना है वो करना है तुम अच्छा काम कर रहे हो जिसमें इस अच्छे काम के प्रति सम्मान होगा वो खुद आएगा ना तुम्हारे पास हटाओ मां बाप को वो लड़की क्या है पांच साल की है कि मम्मी पापा से पूछ के लॉलीपॉप खाएगी तुम्हारी तरह ही एडल्ट है ना हाँ, एडल्ट, एडल्ट, हाँ, एडल्ट है ना लीगल हाँ, एज एडल्ट एडल्ट है ना भाई कुछ गलत हाँ लीगल एज्वेंटी सिक्स ठीक है ट्वेंटी सिक्स है तो जिससे प्रेम करता है व्यक्ति उसमें कुछ पात्रता देखता है या नहीं देखता तुम्हारा तो अध्यात्म में रुझान तुम्हारा तो समाज सेवा में रुझान जिस लड़की की तरफ जा रहे हो वो जरा भी सम्मान देती है तुम्हारे इन गुणों को और अगर वो तुम्हारे इन गुणों को सम्मान देती होगी तो खुद पीछे पीछे आएगी तुम्हारे तुम्हें थोड़े ही जाकर के हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे उसके मां बाप के कि देखिए देखिए मैं पुलिस वाला हूं लेकिन उतना भी बुरा नहीं हूं और अगर तुम यही करने में अपनी सारी ऊर्जा और समय लगा दोगे तो एक दिन तो वो ये शर्त भी रख देंगे कि अगर हमारी बिटिया का हाथ चाहिए तो पहले अपनी नौकरी छोड़ो फिर कल और बोल सकते हैं कि नौकरी भी छोड़ो और तुमने ये सब जो समाज सेवा के धंधे चला रखे हैं वो भी छोड़ो और जो तुम फालतू के बाबाओं के शिविरों में पहुंच जाते हो बीच बीच में सबसे पहले तो वहां जाना छोड़ो वही दिमाग खराब करते हैं तुम्हारा तो मान लेना फिर उनकी सारी शर्तें तुम्हारे पास समय है ऊर्जा है इन सब पचड़ों में उलझने का बताना है नहीं, हाँ तो जो एक काम तुमको सही मिला है उसको समर्पित हो जाओ अगर तुम्हारी इन महिला मित्र में तुम्हारे प्रति वास्तविक सम्मान होगा तो खुद आ जाएंगी तुम्हारे पास उनके मां बाप से उनको कैसे निपटना है वो जाने न तुम्हारे मां बाप हैं कोई वो तो फिर वो जाने उनके मां बाप है या तुम्हारा ऐसा इरादा है कि जब ब्याह होगा तो ऐसा संयुक्त परिवार बनाना है जिसमें तुम वो उनके मां बाप चचा ताऊ फूफी सब एक साथ कुटुंब बना के रहना है तुम सही काम करो और ये सबके लिए है तुम सही काम करो जिसमें उस सही काम के प्रति सम्मान होगा वो खुद आएगा तुम्हारे पास और अगर तुम सही जिंदगी जी रहे हो उस सही जिंदगी जीने के कारण कोई तुमसे नाराज होके खफा होके दूर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि वो तुमसे खफा होके दूर चला गया जो आदमी सच का दुश्मन हो जो सच को बर्दाश्त ना कर पाता हो वो निश्चित रूप से किसका पक्षधर है झूठ का ना तो भला हुआ कि कोई तुम्हारी जिंदगी से रुखसत हो जाए ये शिकायत लेकर के कि यह तो समाज सेवा करते हैं समाज सेवा ना करें तो क्या करें सास सेवा करें हुँ? होने को तो ये भी हो सकता है कोई कहे कि मैं पुलिस में हूं मुझे फक्र है इस बात पर ये शर्मसार होने की बात कैसे हो गई कोई कहे कि मैं पुलिस वालों को अपनी लड़की नहीं दूंगा तो क्या है पुलिस वालों को नहीं देंगे फिर फौज वालों को भी नहीं देंगे इन सब धंधों में मतुलझो ठीक है जो एक सही काम समझ में आया है उसमें तनमन धन से जुट जाओ ठीक है